नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ रेनु माथुर। सारा खान के बाद अब बड़े पर्दे पर क्या उनके भाई इब्राहिम अली भी करने वाले हैं धमाकेदार एंट्री? सैफ अली खान और अमृता सिंह के बेटे और सारा अली खान के भाई इब्राहिम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि वो भी बॉलीवुड में अपनी फैमिली की तरह कर सकते हैं एंट्री। बॉलीवुड स्टार सारा अली खान ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सबसे बड़े राज से पर्दा हटा दिया है, जिस पर ज़्यादातर बॉलीवुड लवर्स की नज़र बनी हुई है। सारा अली खान के धमाकेदार बॉलीवुड डेब्यू के साथ ही ये सवाल सभी के जहन में था कि आखिर सारा के बाद सैफ अली खान के नवाबजादे इब्राहिम अली खान बॉलीवुड में कब कदम रखने वाले हैं। इस बात को लेकर तरह तरह के कयासबाजी भी चल रही थी, लेकिन अब सारा अली खान ने खुद उस बड़े राज को बेनकाब कर दिया है। सारा अली खान ने हाल ही में मुंबई मिरर को दिए एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि वो ज़रूर बॉलीवुड में आना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी, इसके बाद ही वो एक्टर बनने के बारे में सोच सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, इब्राहिम बॉलीवुड में आएंगे ज़रूर, लेकिन अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद। लेकिन सारा अली खान ज़रूर इन दिनों बॉलीवुड में अपने पैर मजबूत बनाने की तैयारी में है, तो वहीं इब्राहिम को अभी एक कॉलेज की पढ़ाई पूरी करनी है। तो क्या सारा अली खान आगे चलकर अपने भाई को लॉन्च कर सकती हैं? इस सवाल पर सारा ने कहा कि मुझे नहीं पता मैं उसे लॉन्च करूंगी, ये सिर्फ एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन फिल्मी करियर इससे काफ़ी बड़ा होता है। वो बहुत स्पॉटी हैं और फिल्मों में आने का उसे शौक भी है। तो सारा अली खान की बातों से साफ है कि इब्राहिम देर सवेर बॉलीवुड में कदम रखने वाले हैं। सारा अली खान की बात करें तो ये अदाकारा इन दोनों क्वारंटाइन में है। उनकी फिल्म कुली नंबर 1 तैयार है और बस रिलीज का इंतज़ार कर रही है, जबकि उसके अलावा उनकी फिल्म अतरंगी रे भी शूटिंग फेज में पहुंच गई थी। हालांकि कोरोना वायरस लॉकडाउन ने इसकी शूटिंग पर ब्रेक लगा दिया है। इस फिल्म से वो पहली बार अक्षय कुमार और धनुष जैसे दमदार कलाकारों के साथ ऑन स्क्रीन नजर आने वाली हैं। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। तब तक आप देखते रहिए फिल्मी बीट।